बात प्रधानमंत्री मोदी के मिशन काशी की करते हैं। कल पीएम मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं, यहां वो आम लोगों को कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं। सबसे ज्यादा चर्चा पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे की है, जिसकी पीएम मोदी नींव रखेंगे। 5 घंटे के अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी 28 प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। ये योजनाएं 1780 करोड़ की लागत की हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि संबोधन से 2024 के चुनाव को लेकर बड़ा सियासी संदेश सामने आ सकता है। नवरात्र का मौका है और पीएम मोदी सौगातों का पिटारा लेकर एक बार फिर काशी पहुंचने वाले हैं। 24 मार्च को काशी में पीएम का एक दिवसीय दौरा होगा, जहां वो 1780 करोड़ की 28 परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम के काशी पहुंचने से पहले बनारस के हर चौराहे को भगवा रंग में रंगा जा रहा है। जिस रूट से पीएम गुजरेंगे, वहां पुष्प वर्षा की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री जिस रूट से गुजरेंगे, उस रूट को पूरी तरह से भगवा किया जा रहा है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जब पुलिस लाइन से इस रास्ते गुजरेंगे, तो पूरे रास्ते पर काशी की जनता और बीजेपी के कार्यकर्ता पीएम पे फूलों की वर्षा करेंगे। आप देख सकते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था भी काफी चुस्त दुरुस्त की गई है। सभी चौराहों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पीएम जब भी काशी पहुंचते हैं, कुछ न कुछ सौगात साथ में जरूर लाते हैं, लेकिन इस बार मौका नवरात्रि का है तो माहौल अलग है। जिन 8 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास होना है, उनमें अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की चर्चा सबसे ज्यादा है। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी सौगात मिलेगी, जबकि सिगड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम के फेज 2 और फेज 3 के आधुनिकीकरण की भी सौगात मिलेगी। और ग्रामीण क्षेत्र पेयजल परियोजना समेत कई सौगात पीएम मोदी काशी वासियों को देंगे। प्रधानमंत्री द्वारा जो सबसे अहम योजना की सौगात दी जाएगी, उसमें अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे होगा, जिसका मॉडल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 5 स्टेशन बनाए जाएंगे। पीएम मोदी संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी के ग्राउंड से काशी वासियों को योजनाओं की सौगात देंगे। यहां वो एक सभा को भी संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि संपूर्णानंद स्टेडियम का एक ग्राउंड है, जहां पर प्रधानमंत्री एक सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ काशी की जनता को 1780 करोड़ रुपए की 28 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम मोदी करीब 5 घंटे गुजारेंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर करीब 3 बजे तक वो महादेव की नगरी में होंगे। माना जा रहा है कि यहां से पीएम मोदी 24 के चुनाव का बड़ा संदेश दे सकते हैं। मोदी जी यहाँ के सांसद हैं, यहाँ आना क्या उनको, तो हमेशा आना जाना चाहिए, लोगों के सुख दुख में रहना चाहिए, बनारस की सारी समस्याओं से उनको रूबरू होना चाहिए, अवगत होना चाहिए। और ये सब जो फूल माला, ये सब तो ढकोसलेबाजी है और केवल ड्रामेबाजी है। प्रधानमंत्री वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में 20 से ज्यादा देशों के डेलीगेट्स शामिल होंगे। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नवीन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।